वेलकम टू ई फार्मेसी स्टडी। दोस्तों, इसके पहला जो वीडियो था उसमें हमने जो है एंटी हाइपरटेंसिव का एक क्लास एज अ वैसो डायलेटर देखा था। तो आज हम एंटी हाइपरटेंसिव का ही जो सेकंड क्लास है बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो सबसे पहले तो हम बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर का मोड ऑफ एक्शन यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पर स्ट्रक्चर विद IUPAC नेम यहाँ पर देखने वाले हैं। और अगर आप एग्जाम से पहले भी इस वीडियो को देखने आए हो तो मैं आपको 100% श्योर कर दूँ, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस टॉपिक पर आपका 10 मार्क का भी क्वेश्चन आता है तो आप विद मोड ऑफ एक्शन एक्यूरेट स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर 10 मार्क्स भी आप ऑप्टेन कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखिए, पर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन। तो सिंपल मोड ऑफ एक्शन क्या है, जो हमारे हार्ट होता है उस पर बीटा, मतलब जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, तो बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं, तो हमारा जो ये ड्रग है जो कि बीटा ब्लॉकर्स के अंडर आते हैं, प्रोपेनोलॉल एटेनोलॉल, ये एटेनोलॉल और प्रोपेनोलॉल जाके बीटा एडेनर्जिक जो हमारी साइट्स होती है या फिर रिसेप्टर्स होते हैं उन पर जाके बाइंड हो जाते हैं, जिससे कि उसे वो ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक करने के बाद वो जो एक्शन बताते हैं वो कुछ इस तरह की होती है। सबसे पहला जो वो काम करते हैं तो वो हार्ट रेट जो है डिक्रीज़ कर देते हैं। अब हार्ट रेट अगर हमारे डिक्रीज़ होते हैं तो हार्ट को जो वर्क करना पड़ रहा है या फिर जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना पड़ रहा है, हार्ट रेट डिक्रीज़ होने की वजह से वो भी बिल्कुल कम हो जाता है। तो जिससे कि जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है हार्ट की, वो भी यहाँ पर कम हो जाती है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन केस ऑफ हार्ट अटैक। तो ये जब एटेनोलॉल हम लेते हैं या फिर प्रोपेनोलॉल लेते हैं तो बीटा साइट को जो है ब्लॉक करने के बाद ये हार्ट रेट कम करते हैं, और हार्ट रेट कम होने की वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी यहाँ पर कम हो जाती है। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है हार्ट को वो ये बिल्कुल बढ़ा देते हैं, मतलब हार्ट ऑक्सीजन का जो मतलब डिमांड है वो यहाँ पर हार्ट से कम कर रहे हैं पर सप्लाई जो है बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हार्ट को जो है कम एनर्जी में हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाता है, और जो है जो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड है वो कम होने की वजह से प्रॉपर वर्क यहाँ पर वो कर पाता है। और इसी तरह से जो एटेनोलॉल या फिर प्रोपेनोलॉल है जो बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स है वो अपनी एक्शन बताते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसके अंडर ड्रग कौन से आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया तो जो है इसके अंडर 2 ही ड्रग आते हैं, जो कि एटेनोलॉल एंड प्रोपेनोलॉल। दोनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्रोपेनोलॉल का स्ट्रक्चर। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको सिंपल कर दिया है, प्रोपेन एंड ओएल यानी कि ओएच ग्रुप, तो अल्कोहलिक ग्रुप, साथ ही साथ प्रोपेन यानी कि यहाँ पर 3 कार्बन आपके आने वाले हैं। तो चलिए इसका केमिकल नेम क्या है वो मैं आपको लिख देता हूँ। तो देखिए, जो केमिकल नेम है प्रोपेनोलॉल का वो मैंने लिख दिया है, जो कि 1-methyl-ethyl-amino(3), फिर से ब्रैकेट में 1-naphthal-oxy प्रोपेन टू ऑल। तो इसके नाम में ही है प्रोपेन और ऑल, यानी कि OH ग्रुप और 3 कार्बन्स। तो जो बेसिक न्यूक्लियस है वो है यहाँ पर 3 कार्बन्स का, यानी कि प्रोपेन का, जिसके 2 पोजीशन अगर हम देखें तो वहाँ पर लगाया गया है, हम इधर से नंबरिंग दें या फिर इधर से, तो ये ही 2 नंबर पे आने वाला है। तो इसको जो OH यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप, जो कि OL आने की वजह से यहाँ पर लगाया गया है। तो अगर हम इसे नंबरिंग देते इस साइड से 1, 2, 3, तो देखिए हम यहाँ पर हमने लिखा है कि जो इसकी 3 पोजीशन है वहाँ पर हम नेप्थल ऑक्सी ग्रुप लगा देंगे। तो अब ये किस तरह लिखते हैं हम, तो सिंपली जो है ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन आप लगा दिए लीजिए, और उसके बाद में जो है एक नेप्थेलिन रिंग आपको यहाँ पर निकालनी है, जिसके 1 पोजीशन को ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच किया गया है। तो ये सिंपल हो गई नेप्थेलिन रिंग, और ये हो गया ऑक्सीजन, ये कंप्लीट ग्रुप बन गया नेप्थल ऑक्सी ग्रुप। तो इस तरह से जो है आप सिंपली ये स्ट्रक्चर याद रख सकते हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है यहाँ पर हमारा बसता है 1 पोजीशन पे, यानी इस पोजीशन पे 1-methyl-ethyl-amino। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लगाना है अमाइनो ग्रुप, यानी कि अमाइन यहाँ पर आ चुका है, तो अमाइनो ग्रुप आपको NH यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद आपने लिखा है 1-methyl, तो अब यहाँ पर आपको लगाना है CH3, मतलब यहाँ पर जो आपको मिथिल ग्रुप लगाना है, उसके बाद में उसे इथिल आपको अटैच कर देना है। अब इथिल क्या होता है तो आपको सभी को पता ही है, दो मतलब यहाँ पर जो आपको 2 कार्बन यहाँ पर अटैच करने होंगे। तो सिंपली देखिए आप यहाँ पर इथिल ग्रुप ऐड कर सकते हो, बस ये 2 कार्बन आपके यहाँ पर बन गए, जिससे कि आपका इथिल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया है। तो फाइनली ये जो है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया है, ये हुआ आपका प्रोपेन, ये हुआ आपका OH ग्रुप, साथ ही साथ ये जो है 1 पोजीशन पर जो है मिथिल इथिल अमाइनो ग्रुप आपने यहाँ पर अटैच कर दिया है, साथ ही साथ ये जो है नेप्थेल ऑक्सी ग्रुप भी आपने यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर हो गया प्रोपेनॉल का।
तो एटेनॉल का जो केमिकल नेम है वो है 2 (4), फिर से इन ब्रैकेट 2-हाइड्रोक्सी 3-आइसोप्रोपिल अमाइनो प्रोपिलॉक्सी फिनील ब्रैकेट कंप्लीट। मैंने यहाँ पर एटेनॉल का जो बेसिक मतलब जो केमिकल नेम है वो यहाँ पर लिख लिया है, साथ ही साथ जो एसिटामाइड का स्ट्रक्चर है वो भी मैंने यहाँ पर बना लिया है। और अगर हम बेसिक न्यूक्लियस इसमें बात करें तो वो है प्रोपॉक्सी यानी कि प्रोपिल ऑक्सी। तो यहाँ पर सिंपली आपको जो है 3 कार्बन यहाँ पर ड्रॉ कर लेने हैं, तो ऑक्सी यहाँ पर हमने लिखा है इसलिए जो है ऑक्सीजन भी आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद में जो है ऑक्सी फिनिल, तो फिनिल रिंग आपको सिंपली यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेनी है जो कि बिल्कुल ऑक्सीजन को ही आपको अटैच करनी होगी। तो सिंपली देखिए फिनिल रिंग भी जो है हमने यहाँ पर ऐड कर ली है। साथ ही साथ जो है उससे पहले हमने लिखा है यहाँ पर आइसोप्रोपिल अमाइनो, तो फिर से आपको यहाँ पर एक आइसोप्रोपिल ग्रुप बनाना है, पर उससे पहले जो है उसे हमें अटैच करना है अमाइनो के साथ यानी NH2 के साथ। तो सिंपली जो है हम यहाँ पर आइसोप्रोपिल ग्रुप बना देंगे यानी कि 3 कार्बन्स होंगे जो कि अटैच होंगे 1 कार्बन पे। तो ये बन गया हमारे यहाँ पर आइसोप्रोपिल ग्रुप। यहाँ पर हम CH3 जो कार्बन की वैलेंसी वो कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद में जो है आपको यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे जैसे कि हमने कहा कि जो यहाँ पर लिखा गया है 2-हाइड्रोक्सी, तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग इसे किसी भी साइड से देते हैं, अगर हम सपोज़ कीजिए इस साइड से इसको नंबरिंग देते हैं, तो यहाँ पर जो है हमें OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर देना होगा। तो बस यहाँ से हम सिंपली अब बसता एक ही काम है हमारा, जो एसिटामाइड ग्रुप है वो हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। तो जैसे कि हमने ड्रॉ किया है तो इसे हमें अटैच करना है कार्बन के साथ। तो सिंपली जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट एटेनॉल का स्ट्रक्चर जो है तैयार हो चुका है, जिसमें ये है प्रोपिल हाइड्रोक्सी, ये है हमारा आइसोप्रोपिल अमाइनो ग्रुप, और ये है हमारा एसिटामाइड ग्रुप, और ये है हमारी फिनिल रिंग। तो बस सिंपल स्ट्रक्चर जो था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट तैयार कर लिया है। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।